फ्रेंड्स, 20 फीट × 30 फीट हाउस प्लान रिव्यू करेंगे। 600 स्क्वायर फीट हाउस प्लान, 2 BHK हाउस प्लान है। तो क्या किधर पोजीशन रखा है, क्या साइज है, डिटेल्स शेयर करेंगे। तो नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान डिजाइन किया गया है। इस तरफ साउथ है, नॉर्थ इस तरफ है और वेस्ट साइड इस तरफ, ईस्ट इस तरफ है। तो चलते हैं, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहीं पे जो वॉल दिया गया है, यहीं पे जो वॉल दिया है, ये 9 इंच का वॉल है आउटसाइड का, और इनसाइड का 5 इंच का वॉल है। तो पहले इसको मैंने ड्रॉ कर लेते हैं, स्केच कर लेते हैं इसको। हाईलाइट कर देने से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हो गया 9 इंच का वॉल। टू बेडरूम यहीं पे डिजाइन किया, 2 BHK हाउस प्लान है। इसका साइज जो है बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड का साइज यहीं पे रखा है, तो आप इन तक देखने से अच्छा से समझ जाओगे। स्टेयर रूम का विंडो छोड़ दिया, और यहीं पे भी बेडरूम है, उसका विंडो मैंने यहीं पे छोड़ दिया। बेडरूम में 2-2 विंडो रख रहा हूँ। अगर आपका पॉसिबल है तो 2 विंडो प्रोवाइड कीजिए, अदरवाइज 1 ही विंडो रख दीजिए। तो इनसाइड का वॉल इस तरफ का आएगा। आपका हिसाब से आप इसका रूम का पोजीशन, साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। कॉलम पोजीशन भी दिखा देंगे आपको, देखते रहिए वीडियो को इन तक। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरफ का वीडियो आपको डेली मिलते रहेगा। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ ड्राइंग बनवाना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जो रिक्वायरमेंट है उसी के ऊपर मैं ड्राइंग बना के अपलोड कर दूँगा। तो यहीं पे देखिए विंडो छोड़ना है, स्टेयर का विंडो है, यहीं पे बेडरूम का विंडो यहीं पे लगाया। बेडरूम में 2-2 विंडो है, यहीं पे किचन का विंडो रहेगा, लिविंग रूम का विंडो इस तरफ, और इस तरफ एक छोटा सा विंडो रखा है। यहीं पे बेडरूम का विंडो है, वेंटिलेशन आएगा, यहीं पे भी वेंटिलेशन आएगा। तो यहीं पे मार्क कर देते हैं, ये विंडो है, ये भी विंडो है, वेंटिलेशन है, ये वेंटिलेशन है, ये विंडो है, विंडो है, विंडो, विंडो। तो यहीं पे 2 टॉयलेट है, एक अटैच टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट है। तो देखिए यहीं पे जो कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इस तरफ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है इस तरफ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट कॉर्नर, और ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कॉर्नर यहीं पे रखा गया है। तो मेन डोर इस तरफ मेन डोर रखा है, ईस्ट के नॉर्थ तरफ, नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है। मेन डोर यहीं पे है, 4 फीट का डोर यहीं पे रखा है, 4 फीट × 7 फीट। तो इसको क्रॉस करके आपको लिविंग रूम में आना है। लिविंग रूम, उसके बाद यहीं पे डोर है, और नॉर्थ वेस्ट में एक बेडरूम रखा है। यहीं पे बेडरूम है, और ये
कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट हो गया, इसका डोर यहीं पे हो गया, और वेस्ट में ये टॉयलेट है और ईस्ट में किचन है। ओपन किचन रखा है, यहीं पे आँच रहेगा, उसके साथ डाइनिंग हॉल यहीं पे, डाइनिंग हॉल यहीं पे डाइनिंग हॉल है, और यहीं पे स्टेयर रूम है, और इस तरफ डोर है, यहीं पे मास्टर बेडरूम है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के साथ ये अटैच टॉयलेट है। जो टॉयलेट है ये कॉम्बाइंड है, बाथ कम लेटरिन, बाथ कम लेटरिन टॉयलेट यहीं पे अटैच कर दिया गया। तो यहीं पे देखिए, यहीं पे जो लिविंग रूम का साइज है, इधर से इतना दूर तक 8 फीट 1 इंच, और इस तरफ मिल जाएगा 9 फीट 4 इंच। और ये बेडरूम का साइज 10 फीट इस तरफ और इस तरफ 9 फीट 4 इंच इस तरफ से, टॉयलेट 4 फीट बाई 6 फीट 7 इंच। ये भी सेम साइज का टॉयलेट है, 4 फीट बाई 6 फीट 7 इंच। और किचन इस तरफ 4 फीट है और इस तरफ 7 फीट 5 इंच। तो ओपन किचन है, इसलिए इसका विच जो है कम रखा गया है। और डाइनिंग हॉल का साइज इधर से इस तरफ 8 फीट 5 इंच इस तरफ और इस तरफ 7 फीट 1 इंच। तो यहीं पे जो स्पेस है, देखिए टोटल आप यूज़ कर सकते हैं, यहीं पे टोटल कोई भी जगह, यहीं पे जो जगह है यहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल स्पेस यहीं पे देखिए आप यूज़ कर सकते हैं इस प्लान के मुताबिक। तो यहीं पे जो स्टेयर हॉल है, स्टेयर हॉल आपका इधर से इतना दूर तक मिल जाएगा 11 फीट, और इधर से इतना दूर तक 8 फीट 1 इंच। तो स्टेयर का आप इस तरफ है और इस तरफ पे से फर्स्ट फ्लोर में आना है, 3 फीट विद है, इधर भी 3 फीट है, इस तरफ भी 3 फीट है। तो यहीं पे ये जगह के अंदर आपका स्टेयर रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहीं पे मास्टर बेडरूम है, इसका साइज 10 फीट बाई 10 फीट रखा गया है। तो इधर जो साइज है, अपना हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल यहीं पे एक आइडिया बता रहा हूँ आपको, ऐसा टाइप का आप बनवा सकता है। तो इसका पोजीशन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहीं पे जो इंटीरियर है वो मैंने डिस्कस करेंगे। देखिए बेडरूम का पोजीशन यहीं पे रखा है, बेडरूम है ये बेड का पोजीशन है, बेड इस तरफ से रखा है, ये कारपेट है, यहीं पे लैम्प है, टेबल लैम्प इस तरफ से है। तो ये इंटीरियर ऐसा क्यों बनाया, देखिए ईस्ट इस दिशा से है, तो यहीं पे जो हेड है, आप सोने के टाइम जो हेड रहेगा वो इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको बेडरूम में बेड को सेट किया गया। और यहीं पे देखिए ये टेबल है, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, ये टेबल है, छोटा सा टेबल है, और ये सोफ़ा है, 3 सीटर करके 2 सोफ़ा है, आपका हिसाब से आप इसको सेट कीजिएगा, 2 या 3 जो भी है आपके हिसाब से आप इसको सेट कीजिएगा। और यहीं पे डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल का ये टेबल है, और यहीं पे 4 चेयर लगा हुआ है। तो इस तरफ से यहीं पे आप सेट कर सकते हैं इसको। और ये कमोड है, यहीं पे कॉमन टॉयलेट का कमोड यहीं पे है, और ये अटैच टॉयलेट का है, और एक बेडरूम इस तरफ है।
इस तरफ एक बेडरूम है मास्टर बेडरूम का। जो बेड का पोजीशन है आप ईस्ट फेसिंग, ईस्ट से भी इसको हेड कर सकते हैं और साउथ से भी इसको हेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल यहीं पे साउथ से अब हेड रखा है। और यहीं पे कारपेट है, कारपेट इस तरफ से बिछाया, तो अपना हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरफ का इंटीरियर डिज़ाइन आपको आप कर सकते हैं, तो आपके एक नॉलेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं पे जो कॉलम पोजीशन है, कॉलम इस तरफ से प्रोवाइड करना है, 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम यहीं पे आएगा, इसका सीधा यहीं पे डाल दीजिए, यहीं पे डाल दीजिए, यहीं पे दे दीजिए, पूरा सीधा सीधा आएगा कॉलम, यहीं पे और यहीं पे आएगा। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, बिल्डिंग कॉस्ट, एट लैक्स खर्च यहीं पे आएगा ओनली ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करने में, ठीक है, टोटल फिनिशिंग के साथ। चलिए ख़त्म करते हैं, थैंक यू।